नमस्कार, द स्पीकिंग इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। राजनेता जिन्हें हम चुनकर गद्दी तक पहुंचाते हैं और हमारा मकसद होता है कि हमारे राज्य, हमारे क्षेत्र का और जहां हमारा आसपास का जो एरिया है उसका विकास हो, चाहे उसमें कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी शख्स रहता हो। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये होता है कि हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहे। पर क्या कभी हमने सोचा है जिन्हें हम तक पहुंचा रहे हैं वो कितने साफ हैं? अगर हमने नहीं सोचा तो आज हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से आप ये सोचेंगे कि हमें इसे सोचने की कितनी ज़रूरत है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारे राजनेताओं से जुड़े बहुचर्चित अपराध हम सभी जानते हैं, उसमें से एक उन्नाव रेप केस। और इस केस पर हाल ही में 30,000 कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जहां भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर तहा उम्र जेल की सजा काटेंगे। और इस फैसले में पीड़िता के परिवार को भी संतोष मिला है। पर लेकिन जो पीड़ित परिवार पर गुजरी उसे कौन लौटाएगा, ये किसी के पास जवाब नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इस लंबी लड़ाई की उन्हें अब ठंडक मिली है और जीत हासिल की है। खैर, हम अपने समाज में ये भी देख चुके हैं कि महिलाओं के खिलाफ उठती आवाज़ों को अक्सर ऊंचे तख्त पर बैठे लोगों द्वारा दबा दिया जाता है या फिर अपने खिलाफ इसे साजिश बताकर इस मामले को रफा दफा करने की सोची समझी रणनीति बनाई जाती है। लेकिन महिला सुरक्षा को देख तो हमारे यहाँ कई मुद्दे उठते हैं और जो कुछ समय बाद चुप हो जाते हैं। यदि किसी बेटी के साथ जघन्य अपराध हो जाए तो संसद तक में बहस छिड़ जाती है, एक मुद्दा बन जाता है, वो भी सिर्फ सीमित दिनों के लिए, क्योंकि महिलाओं के साथ हुए अपराधों के मामले में एक बड़ी संख्या राजनेताओं की भी है। लेकिन हम खुद ऐसे नेताओं को चुनते हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं और उन्हें संसद, विधानसभा तक पहुंचाते हैं कि वे हमारे क्षेत्र का विकास करें। बीते दिनों पहले नेशनल इलेक्शन वॉच ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स द्वारा 4,896 सांसदों और विधायकों में से 4,822 सांसदों और विधायकों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है। इसमें पिछले 5 साल यानी 2014 में से 2019 में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य शामिल है। 776 में से 759 विधायक भी शामिल हैं। साथ ही 4,120 में से 4,063 विधायकों के शपथ पत्र भी शामिल है। इस शपथ पत्रों के पक्षों के साथ आपका रुख कुछ साल पीछे भी करा देते हैं। साल 2009 में उम्मीदवारों पर महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामले 38 थे और बात अगर जाते हुए साल 2019 की करें तो साल 2019 में 126 उम्मीदवारों पर महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों में आपने भी अनुमान लगा ही लिया होगा कि बीते सालों के साथ साथ आपराधिक उम्मीदवारों में किस प्रकार इजाफा हुआ है। आपको थोड़ी और जानकारी दे तो हमारे 756 सांसदों और 4,063 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 76 सांसदों और विधायकों पर महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जिन पार्टियों पर हम अपना उम्मीदवार चुनते हैं उन्हीं पार्टियों ने सत्ता के मोह में 410 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिन पर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले जुड़े हैं, जिनमें 89 उम्मीदवारों ने लोकसभा और राज्यसभा में और 321 उम्मीदवारों ने विधानसभा में चुनाव लड़े। मैं आपको ये भी जानकारी दे देती हूँ कि निर्दलीय उम्मीदवारों की भी संख्या में इसी क्रम में इजाफा हुआ है। निर्दलीय उम्मीदवार अब 162 हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ किए अपराधों में अपना नाम शामिल किया है, उसके बाद भी टिकट पाकर चुनाव लड़ने की रेस में अपना नाम भी दर्ज कराया। आंकड़ों ने ये भी साबित किया है कि ये दल महिला सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं और इसमें से कुछ ऐसे भी दल हैं जिनकी कमान महिलाओं के हाथों में ही है, फिर भी उनके द्वारा ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है जिन पर महिलाओं के साथ किए गए आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन दल और दल की कमान संभालने वाली महिलाएं जैसे कांग्रेस की सोनिया गांधी, बीएसपी की मायावती, साथ ही सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी शामिल है। अब राज्यवार तरीके के साथ आपको समझाएं तो सबसे ऊंची छलांग पश्चिम बंगाल की है। यहां 16 ऐसे सांसद हैं जिन पर महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ उड़ीसा और महाराष्ट्र के 12 सांसद भी शामिल है। अब आपको यदि मैं पार्टीवार यानी दलों के अनुसार बताऊं तो भाजपा के 22 ऐसे विधायक
विधायक और सांसद हैं जिन पर महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 16, साथ ही YSRCP के 7 सांसद और विधायक शामिल है। 2009 में जहां लोकसभा में 2 ऐसे सांसद थे जिन पर महिलाओं से जुड़ा अपराध का मामला दर्ज था, अब 2019 में 19 ऐसे सांसद हैं जिन पर महिलाओं से जुड़ा आपराधिक मामला दर्ज है। नेशनल इलेक्शन वॉच ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की रिपोर्ट में ये भी साफ किया गया है कि ऐसे 3 सांसद और 6 विधायक हैं जिन पर रेप से जुड़े मामले दर्ज हैं। बता दें, 5 सालों में ऐसे 41 उम्मीदवार थे जिन पर रेप के मामले दर्ज थे और इन्हें राष्ट्रीय पार्टियों ने ही चुना था। पिछले 5 सालों में भाजपा ने ऐसे 67 उम्मीदवारों को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के टिकट दिए थे जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज थे। वहीं कांग्रेस के 46 और बहुजन समाज पार्टी के 40 ऐसे उम्मीदवार थे जिन पर इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। वर्तमान लोकसभा में 18 सांसद ऐसे हैं जिन पर महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें भाजपा से बाबुल सुप्रियो, रीता बहुगुणा जोशी, लॉकेट चटर्जी और कांग्रेस के शशि थरूर जैसी हस्तियों के भी नाम शुमार हैं। हाल ही में 58 विधायक भी इसी सूची में आते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारी रिपोर्ट के माध्यम से आप ये जरूर सोचेंगे कि किस तरीके से हमें अपना उम्मीदवार चुनना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा होगा तो अब आपको सोचने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ एक और जानकारी दे देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि ऐसे उम्मीदवारों को ना चुने जिन पर महिलाओं से जुड़े या किसी भी आपराधिक मामले जुड़े हो, पर किसी भी पार्टी ने इस तरीके के फैसले को नहीं अपनाया और पार्टी सिर्फ अपना उल्लू सीधा करती है। जरूरत आपको है कि आप किसे चुने। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।